गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें तत्वों को उसने किस प्रकार व्यवस्थित किया, किस प्रकार कितने आवर्त थे और कितने वर्ग थे, और वो जो आवर्त और वर्ग थे उनका जो विभाजन था वो किस प्रकार से किया था। आज अपने पढ़ेंगे कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसके दोष क्या हैं। दोष मतलब कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी अगर मेंडलीफ ने जो बनाई थी वो जो पूर्ण रूप से सही नहीं थी, तो अभी वो जब पूर्ण रूप से सही नहीं थी उसमें कुछ कमियां थी, वो कमियां पढ़ेंगे अपने क्या क्या कमियां थी, उन कमियों को दूर करके नई आवर्त सारणी बनाई गई और जो कि आप लोग आज इस टाइम पढ़ते हो, और वो है आधुनिक आवर्त सारणी, और जिसका निर्माण किसने किया था, हेनरी मोजले ने। अब तक आपको याद हो गया होगा, मैंने काफ़ी बार बता दिया कि हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ जो उसके दोस्त थे और उसने कोशिश की थी मोजले ने कि उसकी जितनी भी कमियाँ थी वो दूर हो जाएं, परंतु अभी तक भी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें भी कुछ कमियाँ पड़ी हैं। तो अभी अपने पहले पढ़ते हैं कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसके दोष क्या क्या थे, या तो इसको दोष मानो या इसकी कमियाँ मानो। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, अपने पहले पॉइंट लिखेंगे फिर उसके बाद उसको उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट वो है, और वो है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन का स्थान, इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे फर्स्ट में। और उसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट, दुर्लभ मृदा तत्व और जो ट्रांसयूरेनिक तत्व है उनका स्थान क्या होते हैं, अभी बताऊंगा, एक बार अपने नोट कर लेते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व व ट्रांसयूरेनिक तत्वों का स्थान, ट्रांस यूरेनिक तत्वों का स्थान, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, वो देखते हैं अपने। थर्ड पॉइंट है एकेरिय गैसों का स्थान, एकेरिय गैसों का स्थान। एक बार अपने पॉइंट नोट करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे अपने कि ये जो पॉइंट थे उनमें क्या क्या कमियां थी मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वह समस्थानिकों का स्थान, किनका, समस्थानिकों का स्थान। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को, कुछ ऐसे तत्व थे जैसे, अब पहले नोट करते हैं अपने, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखना, को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखना। उसके बाद बात करते हैं अपने सिक्स पॉइंट की, और वो था कि आठवां जो ग्रुप बनाया था उसने, एट्थ ग्रुप था जो था उसके, आठवें ग्रुप में जो वर्ग था के समूह हैं कैसे नहीं बनाए उसने, है ना। तो अब देखो ये इतने कुछ सारी अपने कमियां, आपकी बुक में ये कमियां नहीं मिलेंगी, आप लोग यहीं से नोट कर लेना। और सबसे पहला दोष क्या था कि हाइड्रोजन का, अब अपने एक एक पॉइंट लेते हैं और उस पर बात करते हैं कि ये जो पॉइंट थे उसमें क्या क्या कमियां थी, कैसी, किस टाइप की कमियां थी। अब देखो आपने जब आवर्त सारणी बनाई, सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूं मैं कि आपने जब आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें सबसे पहला वर्ग जो था यहां पर हाइड्रोजन को रखा, कहाँ पर रखा, हाइड्रोजन को रखा। अभी अपने ये जो आवर्त सारणी थी इसका जो बेस क्या था, इसका बेस जो था वो था कि इसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया, व्यवस्थित किया। और फिर इसने ये भी बताया था कि एक वर्ग जो है इसमें जितने भी तत्व आते हैं, चाहे कोई सा भी वर्ग हो, और उनके गुण क्या हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो अब जो हाइड्रोजन था ना, अब ये क्या है, सबसे जो पहला वर्ग था इसका नाम होता है चार धातुएं, क्या होता है, चार धातुएं, ठीक है। और सॉरी,
ये जो सबसे पहला वर्ग है इन सभी पर आवेश होता है प्लस वन। ठीक, कौन सा आवेश होता है? प्लस वन आवेश होता है। परंतु जो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन पर प्लस वन और हाइड्रोजन पर माइनस वन आवेश भी पाया जाता है। तो हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश होता है? प्लस वन, तब तो इसे हाइड्रोजन बोलते हैं। और अगर इस पर हाइड्रोजन पर माइनस वन आवेश होता है तो इसे हाइड्राइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्राइड। इसका अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो NaH, जैसे सोडियम हाइड्राइड, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्राइड। मैंने आपको किसी एक लेक्चर में जो तत्व होते हैं या जो यौगिक होते हैं जैसे AB है ना, उसमें लिखना बताया था मैंने आपको कि जो पहले जो लिखते हैं वो पॉजिटिव वाला होता है, बाद में लिखते हैं वो नेगेटिव वाला होता है। तो उसमें जो सोडियम अपनों ने पहले लिखा है वो पॉजिटिव होता है, और हाइड्रोजन जो लिखा है वो कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। तो अगर हाइड्रोजन का यहाँ पर माइनस वन आवेश आ रहा है, इसका मतलब ये है, आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे होता है सत्रवां वर्ग। सत्रवां वर्ग कौन सा? हैलोजन वर्ग। तो हैलोजन जो भी होते हैं FClBrI, ये इतने सारे हैलोजन होते हैं, इन सभी पर भी, सॉरी हैलोजन को X से दर्शाते हैं, इन सभी पर कौन सा आवेश होता है? माइनस वन आवेश होता है। तो जब किसी भी तत्वों का आवेश एक समान होता है तो उनके गुण भी आपस में कुछ मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन जो है उसने प्लस वन आवेश दर्शाया, तब तो इसको अपनों ने कहाँ पे रख दिया? पहले वर्ग में, सबसे पहला वर्ग है वो। और अगर हाइड्रोजन माइनस वन आवेश दर्शाता है, कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जैसे ये रहे अपने पास पड़े, ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलते हैं अपने को? सत्रहवें वर्ग में। तो हाइड्रोजन, उसका स्थान अभी तक फिक्स नहीं हुआ कि हाइड्रोजन को अपने पहले वर्ग में रखें या सत्रहवें वर्ग में। सबसे पहली कमी तो ये थी कि वो मेंडलिफ ये बात नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन का स्थान कौन सा है, पहले वर्ग में रखते हैं या कौन से वर्ग में? सत्रहवें वर्ग में। क्यों? क्योंकि एक वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं उनके गुण क्या हैं? एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो हाइड्रोजन के गुण इन तत्वों से भी मिलते हैं और हाइड्रोजन के गुण इन तत्वों से भी मिलते हैं, तो उसका स्थान अभी तक फिक्स नहीं हो पाया। ठीक है, ये अपने पहला पॉइंट था। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, अब अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है? दुर्लभ मृदा तत्व व ट्रांसयूरेनिक तत्वों का स्थान। पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि दुर्लभ मृदा तत्व और ट्रांसयूरेनिक तत्व कौन से होते हैं। तो देखो ये पॉइंट अपनों ने कंप्लीट कर लिया, और दुर्लभ मृदा तत्व और ट्रांसयूरेनिक तत्व कौन से होते हैं? आपने सिक्स्थ, जो छठा आवर्त था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो छठा आवर्त है और जो सातवां आवर्त है उसमें 14 तत्व अलग से होते हैं, सातवें में भी 14 तत्व अलग से होते हैं। इनको क्या बोला गया था? लेंथेनॉइड। क्या बोला गया था? लेंथेनॉइड। और इनको बोला गया था एक्टिनॉइड। क्या बोला गया था? एक्टिनॉइड। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो तत्व थे उनकी खोज, ये जो मेंडलिफ ने पीरियोडिक टेबल आवर सारणी बना ली थी उसके बाद हुई थी। तो ये जो लेंथेनॉइड होते हैं तत्व, इनको दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व। और एक्टिनॉइड जो तत्व होते हैं उनको ट्रांसयूरेनिक तत्व बोलते हैं, ट्रांसयूरेनिक तत्व बोलते हैं। अब दुर्लभ मृदा तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो तत्व होते हैं वो प्रकृति से, मृदा से मिलते हैं, ठीक है, और ये जो लेंथेनॉइड है इनकी प्रकृति में सभी तत्वों की बहुत ही कम मात्रा उपस्थित है, इसलिए इसे बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। और इसका नाम ट्रांसयूरेनिक तत्व क्यों है? क्योंकि अगर आपने एक्टिनॉइड तत्व लिखते हो तो 92 नंबर जो होता है वो होता है यूरेनियम, 92 नंबर पर तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम। यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व हैं उन सभी का आविष्कार हुआ है, न कि उनकी खोज हुई है। आविष्कार और खोज में फर्क क्या है? कि एक तो प्रकृति से मिलते हैं उनको तो बोलता उसको तो बोलेंगे अपने कि उनकी खोज हुई है, और बाकी जितने तत्वों का लैब में जो तत्व बने हैं उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि उनका क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है। तो 92 से लेकर आगे जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व कहाँ पर मिले हैं? लैब में बनाए गए हैं, ठीक है। और यूरेनियम के बाद वाले जितने तत्व जो लैब में बनाए गए हैं उनको बोलते हैं ट्रांसयूरेनिक तत्व। तो जैसे जैसे कुछ तत्वों की खोज हुई और कुछ तत्वों का क्या हुआ? आविष्कार हुआ, तो
अब वो कौन से हो सकते थे, दुर्लभ मृदा तत्व और ट्रांस यूरेनिक तत्व। तो ये जो दोनों प्रकार के जो तत्व थे, 14 और 14, 28 तत्व थे, इनका भी स्थान फिक्स नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक क्या था, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बना ली थी, तभी उनको मैंने आपको बताया था कि इन तत्वों को, जैसे ये मान लो आवर्त सारणी है, इन तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग से स्थान दिया गया था। तो ये अलग से स्थान देने का मतलब यही था कि इन तत्वों की खोज क्या हुई थी, बाद में हुई थी, और इनके लिए यहाँ पर आवर्त सारणी में कोई स्थान भी नहीं बचा था उस टाइम तक, जब तक क्या हुआ कि आवर्त सारणी बन चुकी थी। ये सेकंड पॉइंट है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, उसकी बात भी अपने कर चुके हैं कई बार। थर्ड पॉइंट क्या आता है, देखो पढ़ो, एकेरिया गैंसों का स्थान। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा था जो जिसमें, या ऐसी कोई जगह स्पेस नहीं था जहां पर अपने क्या है, एकेरिया गैंसों को फिट कर सकें। तो पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बना ली, उसके बाद में एकेरिया गैंसों की खोज हुई, तो इन गैंसों को सबसे लास्ट में, अंतिम वर्ग में फिट किया गया, और इसको, इसका क्या नाम दिया गया, शून्य वर्ग। तो जब तक आवर्त सारणी बनी थी उस टाइम तक एकेरिया गैंसों की खोज नहीं हुई थी, उसके बाद एकेरिया गैंसों के जैसे जैसे खोज हुई, उन सभी गैंसों को आवर्त सारणी से बाहर, मतलब सबसे लास्ट में, अंत में एक वर्ग नया बनाया गया, और उसका नाम क्या रखा गया, शून्य वर्ग। और उसमें क्या, किसको अरेंज किया गया, एकेरिया गैंसों को। ये भी पॉइंट हो गया कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं अपने समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिक क्या होते हैं, कि ऐसे कोई भी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो और तत्व एक ही हो। जैसे बात करते हैं अपने 1H1 हाइड्रोजन, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। अब देखो, आवर्त सारणी जिस आधार पे बनी थी, जिसका जो बेस था कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, तो देखो ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, हालांकि इनकी मात्रा बहुत कम होती है, परंतु है तो तत्व तो है, तो इनको कोई भी स्थान नहीं दिया गया। कहाँ पर, कि आवर्त सारणी में इनके लिए कोई भी जगह नहीं बची। अगर आपने आवर्त सारणी बनाई है तो आपको ये पता चल गया होगा कि इनके लिए आवर्त सारणी में कोई भी जगह है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे तत्व, उनको क्या बोलते हैं, समस्थानिक, जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। ये नीचे जो अपनी संख्या लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जिन तत्वों का समान होता है, परमाणु क्रमांक जिन तत्वों का समान होता है, उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक, मतलब उनका स्थान समान है, ठीक है। तो ये इन तत्वों के लिए भी आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं बनाई गई थी, ये भी कमी थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर पॉइंट, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखना। तो देखो, ये पॉइंट तो बिल्कुल ही फैल ही हो गया था, कुछ ऐसे तत्व उसने व्यवस्थित कर दिए कि जो उसका बेस था, जिस आधार पर, बेस का मतलब आधार, जिस आधार पर आवर्त सारणी बनी थी, और वो आधार क्या था, मैंने कई बार बता दिया आप लोगों को, वो आधार था कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। तो जिस आधार पर आवर्त सारणी बनी थी, उसी को इसने क्या कर दिया, फैल कर दिया। कुछ एग्जांपल देखते हैं अपने, अगर आपको ध्यान है तो, जैसे 16वां वर्ग और 17वां वर्ग की बात करते हैं, ये है 16वां वर्ग, 17वां वर्ग है FCl Br I और At। तो मैं बात करूंगा आई और टीई की। टीई होता है टेल्यूरियम, क्या होता है, टेल्यूरियम। तो जब ये आवर्त सारणी बनाई थी, किसने, मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई थी, उस टाइम जब टेल्यूरियम को जो परमाणु जो भार था वो था 125 था। टेल्यूरियम का परमाणु भार कितना था, 125। और उसके बाद देखो अपने बात करते हैं, रुको एक बार, परमाणु भार था इसका 128। उस टाइम परमाणु भार कितना था, 128। और यहाँ पर जो परमाणु भार था, उसका परमाणु भार है आयोडीन का 127। तब देखो, ये पहले अपने इधर से इधर इसने अरेंज किया था, बाएं से दाएं इसने क्या किया था, तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो इसने इस
ये बताया था कि मैं परमाणु बाहर के बढ़ते हुए क्रम में क्या कर रहा हूँ, व्यवस्थित कर रहा हूँ। तो टेल्यूरियम को तो देखो पहले रख दिया, आयोडीन को क्या है उसके बाद रखा, और उस टाइम इसका परमाणु भार कितना था 128 और आयोडीन का कितना था 127, जबकि आयोडीन इधर आना चाहिए था और टेल्यूरियम इधर आना चाहिए था। इनकी जो व्यवस्थाएं थी वो क्या होनी चाहिए थी, चेंज होनी चाहिए थी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि जब इनका परमाणु भार मेंडलीफ की आवर्त सारणी बढ़ने के बाद में दोबारा से बहुत से तत्वों का परमाणु भार निकाला गया, तो इसका जो परमाणु भार है वो मिला 126 और आयोडीन का परमाणु भार कितना था 127 ही था। तब इसको फिर बाद में ये आधुनिक आवर्त सारणी में ये इसकी कमी क्या होगी, दूर होगी, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ने से पहले कुछ तत्वों को परमाणु भार निकाला गया था। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कोबाल्ट और निकल का एग्जाम्पल मिलेगा आपको, और आर्गन और पोटेशियम का एग्जाम्पल मिलेगा। तो कोबाल्ट क्या होता है, पहले आता है तत्व, और जबकि इसका परमाणु भार क्या होता है, ज़्यादा होता है। आर्गन जो होता है वो भी पहले आता है और उसका परमाणु भार भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसे तत्व थे, और भी बहुत से तत्व थे, अपनों ने एक दो एग्जाम्पल कर लेंगे, इतने बहुत होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था, जैसे टेल्यूरियम का परमाणु भार कितना था 128 और आयोडीन का कितना 127, और होना क्या चाहिए था, आयोडीन को इधर रखना चाहिए था और टेल्यूरियम को उधर। क्यों, क्योंकि इसका जो आधार था वो इसने फैल कर दिया यहाँ पर, जबकि बाद में जब दोबारा से तत्वों का परमाणु भार निकाला गया, कैलकुलेट किया गया, तो इसका परमाणु भार कितना मिला 126 और इसका कितना मिला 127 ही रहा। तब ये जो इसने जो गलती की थी वो सामने आई। अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट में। अब आपको पता था कि जब अपनों ने कल लास्ट लेक्चर के अंदर जो वर्ग बनाए थे, तत्वों के क्या बनाए थे, वर्ग बनाए थे, तो बाकी जो फर्स्ट से लेकर जो सेवन्थ वर्ग तक बनाया था वो तो उसको तो ए और बी भाग में डिवाइड कर लिया, जबकि एट्थ वर्ग जो बनाया था उसको किसी भी भाग में विभाजित नहीं किया, और जबकि उसमें क्या मिले अपने को, सिर्फ इसके तीन वर्ग बना दिए गए, और तीन वर्ग में तीन तीन और तीन 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 टोटल कितने तत्व व्यवस्थित किए गए, 9 तत्व व्यवस्थित किए गए। अब ये जो व्यवस्था थी ये क्यों की गई, इसका कारण नहीं बता पाया मेंडलीफ। मतलब ये जो एट्थ वर्ग बनाया था इसको तीन वर्गों में विभाजित किया गया था, इसका कारण भी नहीं बता पाया था। ठीक है, तो ये आज अपना जो टॉपिक था वो था कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें क्या क्या कमियां रही। फिर आगे अपने जब भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसमें अपने देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में इन कमियों को दूर किया या नहीं किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने, और उसमें अपने डिस्कस करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।